अहमदाबाद टेस्ट से पहले भारतीय टीम इंदौर में पसीना बहाती नजर आई। इंदौर में मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम अब चौथे टेस्ट के लिए तैयारी में जुड़ी है और अब अहमदाबाद टेस्ट के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अहमदाबाद टेस्ट में मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है, साथ ही साथ कुलदीप यादव पर भी दांव लगाया जा सकता है, क्योंकि कुलदीप यादव ने भी नेट पर जमकर प्रैक्टिस किया। साथ ही साथ में टीम के कोच राहुल द्रविड़ भी वहां पर नजर आए, बैटिंग कोच विक्रम राठौर भी वहां पर नजर आए। और मोहम्मद शमी की बात इसलिए हो रही है कि मोहम्मद शमी ने को पिछले मैच में बिठाया गया था, रेस्ट के तौर पर रेस्ट दिया गया था, क्योंकि आने वाले वनडे और आईपीएल के लिए वो प्रमुख खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम के वो प्रमुख गेंदबाज हैं। ऐसे में उन्हें बिठाया, रेस्ट दिया गया था एक टेस्ट मैच के लिए, और कहीं से टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा भी नहीं था कि तीसरे टेस्ट में की हालत ये होगी। ये अलग बात है कि होलकर के मैदान का जो पिच है, आईसीसी ने उसे एक साल के लिए बैन लगा दिया क्योंकि वो खराब पिच में शामिल किया गया है। अब जो टेस्ट मैच निर्णायक जो होगा वो चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा और वहाँ की जो पिच है सूखी पिच है, यहाँ पर रिवर्स स्विंग का फायदा होता है। तो यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने, रोहित शर्मा ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ की पिच शायद ग्रीन पिच होगी, हरी पिच होगी, क्योंकि आने वाले जो WT सीरीज़ है उसको देखते हुए वैसी पिच तैयार की गई थी, उछाल वाली पिच तैयार करने की बात चल रही थी। लेकिन क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच जब भारत हार गई है, उसके बाद उस टेस्ट चौथे टेस्ट मैच में अब जो है वो निर्णायक टेस्ट होगा WTC के लिए, और किसी भी हाल में करो या मरो की स्थिति है, अगर WTC में जाना है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जाना है, तो आपको ये चौथा टेस्ट मैच किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा। ऐसे में अब टीम मैनेजमेंट जो है वो कोई बड़ा रिस्क लेने के फेवर में नहीं है और वो अब संतुलित टीम लेकर उतरेगी, क्योंकि पिछले मैच में मोहम्मद शमी जो सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं, भारत के प्रमुख गेंदबाज हैं, उन्हें रेस्ट दिया गया था और उनके जगह पर उमेश यादव को खिलाया गया था। उमेश यादव ने अच्छी गेंदबाजी की और दो विकेट हासिल भी की थी, लेकिन बाद में फिर बॉलिंग गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर अब जो है सभी चीज़ों को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि टीम जो है अब संतुलित हो और बल्लेबाजी मजबूत हो। लेकिन अब वहाँ पर क्या अंतिम 11 जो होगा वो कैसा होगा पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा और बदलाव पॉजिटिव वे में बदलाव देखने को मिलेगा। मोटेरा के मैदान में भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है और यहाँ पर जो है भारतीय टीम ने 6 टेस्ट मैच जीते हैं और मात्र 2 में ही उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि WTC में जाने के लिए ये टेस्ट मैच बहुत जीतना जो है बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इस टेस्ट मैच को जीतने के बाद ही वो WTC के में प्रवेश कर पाएगी, अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को एक टेस्ट मैच में भी शिकस्त देती है। तो अगर श्रीलंका वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो फिर भारत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्लेइंग 11 में जो है तो अभी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये बदलाव किस तरह का होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो है भारतीय टीम पूरे दमखम के साथ उतरेगी और यहाँ पर मोहम्मद शमी को मौका मिलेगा, यानी कि वो तो प्रमुख बल्लेबाज गेंदबाज हैं टीम के, तो उनका खेलना लगभग तय है। साथ ही साथ जो टीम की जो रूपरेखा तैयार की गई है उसमें कहीं ना कहीं से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक अतिरिक्त बल्लेबाज भी खिलाया जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्लेइंग 11 में आपको केएस भरत जो है वो टीम में दिखाई ना पड़े, क्योंकि तीसरे टेस्ट में भी उन्हें रिप्लेस करने की बात चल रही थी, लेकिन हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन चौथे टेस्ट में अगर टीम इस तरह के बदलाव नहीं करती है, अपनी बल्लेबाजी को मजबूत नहीं करती है, और तो काफ़ी परेशानी होगी, और क्योंकि मोटेरा का मैदान जो है वो फास्ट बॉलर के लिए मददगार होता है और मददगार बनाने की बात हो रही थी। अब टीम मैनेजमेंट क्या करती है ये देखा जाएगा, लेकिन क्यूरेटर जो है वो पिच
किस तरह की तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि फास्ट बॉलर को ये पिच मदद करती है और फास्ट बॉलर यहाँ पर मोहम्मद शमी के लिए अनुकूल पिच है ये। तो मोहम्मद शमी के साथ में मोहम्मद सिराज दिखाई पड़ते हैं या उमेश यादव दिखाई पड़ते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन जिस तरह से कुलदीप यादव को प्रैक्टिस कराया गया है, कुलदीप यादव से जिस तरह से गेंदबाजी कराई गई है नेट्स पर लगातार, और हेड कोच और बैटिंग कोच के देख रेख में उनको गेंदबाजी कराते हुए देखा गया है, इससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि कुलदीप यादव को अंतिम टेस्ट मैच में मौका मिले। और अगर ऐसा होता है तो फिर एक स्पिनर को बिठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के पास में जो स्पिनर है, तीन स्पिनर्स में से अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन, ये तीनों में से एक बिठाना पड़ेगा। चार स्पिनर लेके खेलना तो ये मेरे ख्याल से रिस्क हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक अच्छे गेंदबाज के साथ साथ एक बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं रविंद्र जडेजा, इनको बिठाना। इन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है पिछले टेस्ट में, भले इनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा है, ना ही रविचंद्र अश्विन की उनका अप टू द मार्क रहा है, न बल्लेबाजी न गेंदबाजी। और अक्षर पटेल ने अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन वो काफ़ी देर हो चुका था। पहली इनिंग में भी वो नॉट आउट रहे थे, दूसरी इनिंग में भी नॉट आउट रहे थे। पहली इनिंग में जो है इंदौर टेस्ट में रन लेने के चक्कर में मोहम्मद सिराज रन आउट हुए थे, और जो दूसरी इनिंग चली थी दूसरी इनिंग में भी वो नॉट रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अक्षर पटेल को गेंदबाजी नहीं दी गई थी दूसरे तीसरे टेस्ट में सेकेंड इनिंग में। तो यहाँ पर अश्विन और जडेजा और अक्षर पटेल, इन तीनों की बल्लेबाजी अच्छी है, और अगर अक्षर पटेल को आपने गेंदबाजी नहीं दी, उन पे अगर आप दाव नहीं लगाएंगे तो उनकी बल्लेबाजी तो दिखाई पड़ी थी, चमक कर उनकी बल्लेबाजी दिखाई पड़ी थी। और जडेजा और रविचंद्र अश्विन ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कमाल दिखाया। तो यहाँ पर चौथे टेस्ट में एक और स्पिनर को इंक्लूड करना अब ये टीम मैनेजमेंट के लिए सरदर्द बनेगा। इसलिए बनेगा कि इन तीनों में से एक को अगर बिठाया जाएगा तभी चाइनामैन जो गेंदबाज हैं उनको मौका दिया जाएगा। अब ये तीनों में से कौन बैठेंगे कि कुलदीप यादव को मौका मिले, या फिर कुलदीप यादव को प्रैक्टिस कराकर बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराई जा रही थी, ये तो देखना बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब टीम मैनेजमेंट जो है आर पार के मूड में है, और अगर ऐसा नहीं करती है तो ये जो गोल्डन चांस मैंने डायमंड चांस कहा था, ये चांस भी भारत के हाथ से जाता रहेगा। ऐसे में ये टेस्ट जो है वो जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय टीम अगर तीसरे टेस्ट मैच में विजयी हो जाती तो उसे वो क्वालिफाई करने में का रास्ता जो है पूरी तरह से आसान हो जाता। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच को के बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिर से उनका पॉइंट जो है फिर से ज़्यादा हो गया है, और अब अगर ऑस्ट्रेलिया भारत से, क्योंकि नंबर वन में अभी ऑस्ट्रेलिया ही पॉइंट के हिसाब से चल रही है, दूसरे नंबर पर भारत है, तो ऐसे में भारत जो है तो पिछड़ जाएगी, और ये जो मौका है ये मौका हाथ से जाता रहेगा, और भारत किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देगी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया है उसी तरह से इंडिया को भी फाइट बैक देना पड़ेगा, और सधी हुई गेंदबाजी के साथ सधी हुई बल्लेबाजी भी देखनी करनी पड़ेगी। आपको याद दिला दें कि शुभम गिल को मौका मिला था पिछले टेस्ट मैच में और वो भी बहुत कुछ कर नहीं पाए थे। सबसे बड़ी बात आ रही है विराट कोहली पर, कि विराट कोहली ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया जिस परफॉर्मेंस के लिए वो जाने जाते थे। ऐसे में अब जो चौथा टेस्ट मैच जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है भारत के मद्देनज़र से, और दोनों टीम के मद्देनज़र, क्योंकि विराट कोहली ने अब तक के जो तीन टेस्ट मैच खेले हैं कहीं पर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस विराट कोहली किंग कोहली की तरह नहीं दिखाया है। चेतेश्वर पुजारा ने अच्छे हाथ लगाए थे थोड़े, लेकिन रोहित शर्मा और शुभम गिल ओपनिंग करते फिर से नज़र आएंगे वहां पर, साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली। और अब जो है तो बात उठेगी फिर से एक बार
क्योंकि श्रेयस अय्यर पर बात उठेगी। श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी बल्लेबाजी अच्छी की और ये अलग बात है कि बड़ा स्कोर अपने तब्दील नहीं कर पाए, तो श्रेयस अय्यर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि श्रेयस अय्यर को मौका मिल जाए, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कहनी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम इंदौर में ही ठहरी हुई थी और वहां पर लगातार प्रैक्टिस कर रही है, पसीने बहा रही है, साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी को बाहर से बुलाया गया था जो उस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और उस गेंदबाजी पर बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराया जा रहा था। चार चार गेंदबाज बाहर से बुलाए गए थे और वहां पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो टीम मैनेजमेंट कहीं से भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी और अब जो है टीम को जो है तो समी को हिस्सा बनाएगी, क्योंकि समी के लिए अनुकूल वो टीम है, पिच है और मोटेरा का मैदान जो है वहाँ पे वो ज़रूर खेलेंगे। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया था उसी तरह की उनकी बातें वहाँ मोटेरा के मैदान पर देखने को मिलेगी। आपको फिर से बता दें कि अगर चौथा टेस्ट मैच इंडिया जीतने में कामयाब भी हो जाती है तो उन्हें न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच जो सीरीज़ होने वाली है उस सीरीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत जाती तो उसे सीधा क्वालिफाई कर जाती, लेकिन क्योंकि वो तीसरा टेस्ट मैच हारी है तो WTC के फाइनल में उसका पहुंचना जो है मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में चौथा टेस्ट मैच भारत के साथ भारत को सीरीज़ जीतने के लिए भी ज़रूरी है और सीरीज़ के साथ साथ WTC के लिए भी वो ज़रूरी है, इसलिए चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम किसी तरह का जो है रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेगी और जो भी बदलाव देखने को मिलेंगे वो बदलाव अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है और विकेट कीपर को जो है वो चेंज किया जा सकता है। अब चेंज करेंगे कि नहीं ये तो, लेकिन मोहम्मद शमी की वापसी लगभग तय मानी जा रही है और मोहम्मद शमी के आने के बाद से भारतीय टीम जो है वो मजबूत होगी। साथ ही साथ बल्लेबाजी के लिए जो क्रम है बल्लेबाजी क्रम में भी शायद थोड़ा बदलाव की बात चल रही है, वहाँ पर भी बदलाव देखने को मिले और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर शिकस्त देने के लिए वैसी टीम खड़ी की जाए, क्योंकि जिस तरह से तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स के सामने भारतीय टीम धराशाही हुई थी उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है, और जिस तरह की प्रैक्टिस शाम में देखी गई वो प्रैक्टिस से तो एकदम सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि वहाँ पर भी टर्निंग पिच हो सकता है और साथ ही साथ तेज़ गेंदबाजों के लिए भी अनुकूल होगा वो मैदान, तो इसलिए बल्लेबाजी जो है वो जम करके हो रही है और अगर अभी भी इंडियन टीम इसकी तैयारी नहीं करती है तो फिर हाथ से सारी चीज़ें निकल जाएगी। इंदौर के होलकर के स्टेडियम की पिच को ICC क्रिकेट परिषद के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने खराब पिच की संज्ञा दे दी है और इसलिए अब गुजरात क्रिकेट संघ इस तरह की कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा, जिसे संघ ने के सूत्र ने कहा कि हमें पिच के लिए भारतीय टीम प्रबंधन से कोई निर्देश अभी तक नहीं मिला है, हम हमारे स्थानीय क्यूरेटर सामान्य पिच तैयार कर रहे हैं जो पिछले सत्र में पूरे सत्र में किया था उसी तरह की पिच वहां पर तैयार की जा रही है। तो अगर उस तरह की पिच होती है तो आपको बता दें कि वो पिच जो है तेज गेंदबाजों के मिजाज के हिसाब से होती है और उसके बाद यहाँ पर अगर दिन रात के ही मैच हुए हैं और दो दिन में ही ये मैच खत्म हुए थे आपको याद है।